यार समझा करो, गिरे हुए चोट लगेगी, नुकसान होगा शरीर का। तो ये है अपने होम स्टे से थोड़ा बाहर का नजारा। यहाँ से चढ़ के आए थे हम लोग रात को, अपना सारा सामान लेके, भाई साहब जिसे कहते हैं ना कुत्ते फेल, बिल्कुल वो कुत्ते फेल हो गए थे। लगभग 4 फ्लोर ऊपर है वहाँ से। और ये है होम स्टे हमारा, कल मैं दिखा नहीं पाया था। वहाँ एक रूम है, एक रूम वहाँ पर है, बड़े बड़े रूम है काफी अच्छे, एक यहाँ पर है। और ये वाला रूम लिया था हम लोगों ने, और रूम्स की हालत एज यूजुअल जैसे रहती है हमारी वैसी है, धूमधड़ाका मचा हुआ है रूम के अंदर। अभी बजे हैं सुबह के करीबन 8, हम उठ गए थे सुबह 7 बजे के आसपास, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ से आज का प्लान है कि हम यहाँ से निकलेंगे सरचू जो है यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि स्टे करने का दिल है हमारा जिस्पा के अंदर, अगर हम टाइम से पहुंच गए तो आज हम जिस्पा ही रुकेंगे। सरचू के बाद जो है वो थोड़ा सा रेत वाला जो एरिया आता है 15 से 20 किलोमीटर का जो पैच आता है, उसको हम लोग पार करके फिर जिस्पा के आसपास कहीं रुकेंगे। क्योंकि ना बारालाचा के पास जो वाटर क्रॉसिंग वगैरह आती है उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ना दोपहर के 2 बजे के बाद ना वाटर क्रॉसिंग काफी ज्यादा पानी आ जाता है उसमें, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और हमारे साथ हैं ज्ञान, और ज्ञान को एक्सपीरियंस है नहीं इन सब चीजों का, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेरी भी बाइक लो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो देखेंगे जैसा भी रहेगा ना वो वहां चल के देखेंगे। चैलेंजेस तो हैं आज हमारे पास, अच्छे खासे वाले चैलेंजेस है, क्योंकि ये जो कश्मीर से जो लेह वाला रास्ता है ना, ये तो सच में बहुत आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुश्किल है, सच आसान है। मगर अब जो असली टास्क आएगा ना हमारे पास वो है लेह से मनाली। ये है वो पैच जिसके लिए दुनिया थोड़ा सोचती है कि हाँ यार उसे वो बाइक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत करके पार करेंगे सब कुछ। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ बन रहा है, पेट्रोल का बता रहा हूँ मैं। हमारी और ज्ञान की टैंक तो फुल है, और हमारा तो पार भी कर जाएगा उसको ना, केलोंग तक चला जाएगा। मगर जो प्रत्युष भाई हैं, इनको कल भी मैंने समझाया था कि पेट्रोल डलवा लो, बेशक तुम्हारे पास 4 लीटर है कैन है तो उसमें से 2 लीटर ही फुल करवा लो, एटलीस्ट कहीं खत्म होता है तो इमरजेंसी में काम आ जाएगा। मगर इन्होंने नहीं भरवाया। अब होगा ये कि कहीं पे भी अगर खत्म होता है तो वहां पे शॉप्स हैं, वहां पे मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि यहाँ 96 है तो वहाँ 120 होगा, बस इतना फर्क है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अनिल चिशोते एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। फटाफट तैयार होके ब्रेकफास्ट करके सीधा मिलते हैं आपको गोप्रो पर। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, सुबह के करीबन 9:30 बज गए हैं, हम लोगों को निकलते में देर लग गई है थोड़ा सा। और वो दो ब्रदर हैं, कल रात को ही मिले थे, वो भी दिल्ली से ही हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। उनकी बाइक है एक डोमिनार 400 और एक 390 KTM ड्यूक। और रही बात इस होम स्टे की, तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा इसे लेने के लिए, क्योंकि फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सुबह पानी मांगा, पानी नहीं मिला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रूम जो है इन्होंने 5-5 बना रखे हैं, जिनमें 3-3, 4-4, 5-5 लोग रुकते हैं, 15-15, 20-20 लोगों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। उस बाथरूम में भी कोई चीज ठीक नहीं है, मतलब ना शीशा है, ना फ्लश ठीक से काम कर रहा है, कुछ भी मतलब ठीक नहीं है। तो इसे रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तो फिलहाल इसे कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। टाइम हो गया 9:58, 10 बज गए ऑलमोस्ट, अब निकलते हैं यार। कारू यहाँ से 13 किलोमीटर है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, और अब हम यहाँ से होंगे लेफ्ट, तो यहाँ से चंडीगढ़ है 674 किलोमीटर, मनाली है 425, सरचू 202 और तांगलांगला 51। सबसे पहले तांगलांगला बहुत हाइट पे, उसे क्रॉस करते हैं। वहाँ पे ब्लैक आइस वगैरह का थोड़ा सा है समस्या, मगर अब तो क्योंकि 10 बज गए और वहाँ पहुँचने में हमें करीबन 1 घंटा लगेगा, तो ब्लैक आइस मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो फाइनली निकलने की तैयारी हो गई भाई। 3 से हो गए हम लोग 5, देखो कहाँ तक चलते हैं साथ में पांचों, क्योंकि स्पीड मैनेज करना थोड़ा सा भारी पड़ता है सबका एक दूसरे के लिए। हर इंसान का राइडिंग स्केल जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने राइडिंग के हिसाब से चलाते हैं। एक दूसरे के साथ मैनेज करना ये बहुत बड़ी कला है, और यही ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। अभी मेरा ख्याल से ना जो लोग लद्दाख करने की सोच रहे हैं ना, तो उनको ना इस साल अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप लोग करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ख्वाहिश है अपनी, मगर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो अभी ऑफ रोड भी है ना, तो वो नेचुरल ऑफ रोड नहीं है, वो ज़बरदस्ती का ऑफ रोड बनाया हुआ है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होती है ना कोई रोड, तो उनको बनाने से पहले जो तोड़ा फोड़ा जाता है ना, अभी वो सब हुआ पड़ा है, तो उसकी वजह से ना कोई खास मज़ा आएगा नहीं। आपके कमर की बैंड बजेगी, आपकी बाइक की बैंड बजेगी, तो वही सब होगा। अब नेक्स्ट ईयर से पूरा रोड एकदम मस्त झकास बन जाएगा, फिर मस्त आओ यार अपना। ऑफ रोडिंग करने का दिल करे तो सबसे बेस्ट है मनाली टू स्पीति चले जाओ, वहाँ माइंड ब्लोइंग ऑफ रोडिंग है, मजा ही आ जाएगा। और उस रोड को बनाने का उनका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से बनी नहीं, अब भी नहीं बनाने वाले वो उसको।
हमारे जो रास्ते में पड़ेंगी चीजें वो बता देता हूँ मैं क्या क्या है। ये है रम से 19 किलोमीटर तांगलांगला 45, डबरिंग 69, पांग 111, सरचू 187, मनाली 409। तांगलांगला जाना है पहले, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है वैसे बोर्ड पे। पीछे था लाटो ब्रिज और इस गांव का नाम है लाटो, लाटो गेस्ट हाउस। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, अभी अभी मैंने नोटिस किया है अभी पीछे ना तीन गांव गुजरे हैं, एक मीरू और एक था लाटो और एक अभी अभी निकला था तीसरा और उसका नाम क्या था गया। तो तीनों गाँव में एक चीज कॉमन है कि विलेज जहां से शुरू होते हैं ना वहां रोड खराब है और जहां एंड होते हैं वहां रोड खराब है। अब बोथ ऑफ साइड से यही है, वहां से आओगे तो वहां से भी खराब, यहां से जाओगे तो यहां से भी खराब, और बीच गांव में ठीक है। यानी कि ना बीआरओ ने तो ये रोड बनाया हुआ है, गांव वालों ने ना गांव शुरू होने से पहले भी रोड खराब कर रखी है, लास्ट में भी रोड खराब कर रखी है, ताकि जो बाइकर्स है ना वो स्पीड में ना आए, चाहे बाइकर हो चाहे कार वाले हो कोई भी हो, वो गांव में स्पीड से ना चलाएं, उससे पहले ही वो धीमे हो जाते हैं। हाँ भाई गाँव आ गया, अब वो नॉर्मल चलाते हैं, फिर वहाँ रोड खराब हो जाती है, फिर समाप्त हो जाता है। तीन गाँव गए ना तब मैंने ये नोटिस किया बात, तीनों में ये कॉमन चीज थी। इस गांव का नाम है रूम से, यहाँ पे तो काफी सारी फैसिलिटी है, होम स्टे वगैरह भी है, खाने पीने का भी है। तो अगर आप उपसी ना भी रुकना चाहो मनाली जाते वक्त तो यहाँ रूम से भी रुक सकते हो। ये उपसी से करीबन 30 किलोमीटर के आसपास होगा, 25-30 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। हम रात को यहाँ पे भी रुक सकते थे मगर यहाँ पे ना अभी देखता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क है एयरटेल में नेटवर्क है, जो कि अगर आपकी सिम जम्मू कश्मीर वाली होगी या लद्दाख वाली तो यहाँ पे नेटवर्क है थोड़े बहुत। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, मैं कहता थक गया, प्राण बाहर आ रहे हैं अब तो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको, अगर आपको लगता है कि सच में मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके किसी भी तरह से काम आ रही है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और व्यू देखो यार क्या व्यू है यार, खूबसूरत लग रहे हैं ना नजारे, बहुत खूबसूरत है यार। वो उन रोडों से हम अभी आए नीचे से दिखाई दे रही है इतनी इतनी सी मनाली ले वाला रास्ता भी गजब है यार, कश्मीर वाला तो है ही, ये भी गजब है यार। रास्ते में बाइक खड़ी हुई है BMW 850 GS और दूर दूर तक कोई राइडर नहीं है, क्या हुआ क्या है? मुझे लग रहा है कि ये पंचर हो गई है, सच में पंचर हो गई है यार ये तो। ये दिक्कत होती है स्पोक व्हील के साथ ना, देखो अब इतनी अच्छी बाइक है 15-16 लाख रुपए की मगर स्पोक व्हील की वजह से पंचर होके खड़ी हुई है। मैंने देखा यार कोई भी राइडर नहीं दिख रहा दूर दूर तक, बाइक सुनसान रोड पे खड़ी हुई है यहाँ पर ऐसे। और सोचो ये सिचुएशन अगर रात को होती तो, अगर कोई राइडर रात को निकल आया ऐसे कि चलो यार रात को क्रॉस कर लेंगे तो कितना मुश्किल होगा यार, इसीलिए अलॉय व्हील होने यहाँ पे कई बार जरूरी हो जाते हैं। नीचे से जिन चोटियों को हम दिखा रहे थे ना, अब ऑलमोस्ट उन चोटी पे पहुंच गए हम, देखो कितनी सिर्फ मामूली सी ऊपर रह गई है वो चोटी हमसे, ये देखो तो बिल्कुल ऐसे डेप्थ में ऊपर वाइड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डिजाइन किया यार। यहाँ से लोग देख के ना पेंटिंग्स बनाते हैं, यहाँ से इंस्पायर होते हैं वो लोग कुदरत से, तभी तो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना पाते हैं। चलो यार एक से भले दो, दो से भले पांच हो गए अब हम, अच्छी बात है जो ये मिले हैं दोनों भाई साथ साथ में चल रहे हैं यार, अगर कोई आगे पीछे हो जाता है ना तो रुक भी जाते हैं, अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। 51 किलोमीटर आ गए हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से तांगलांगला, टाइम हो रहा है 11:38। भाई वो ट्रक वहाँ से घुस गया है, इन्होंने यहाँ पे मलबा फेंक दिया है क्योंकि रोड बिल्कुल खराब हो गई है पानी की वजह से। अभी रोड ठीक होगी तब ये ट्रक पास होंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर पानी बहुत है, देखो बर्फ की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची, कम से कम भी तो 10-12 फीट ऊंचा है ये, और पानी है सामने। मैं थोड़ा साइड साइड से निकाल रहा हूँ, ज्यादा गहरे गड्ढों में जा नहीं रहा हूँ, हालांकि इन गड्ढों को भरने का काम लगातार चल रहा है। अच्छा यार ये बीच बीच में ही डाल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अब सुपर मीटियोर को यहाँ से हम मनाली भी लेके जाएंगे। ये वाला भी जो चैलेंज है अपन पूरा करके दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पूरा कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है ये, पूरा कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। यहाँ पानी और मिट्टी है, मिट्टी की वजह से कीचड़ हो रहा है। बाकी डाल तो रहे हैं यार इसमें ना, रिपेयर कर रहे हैं। ओए कितनी ठोस है ये, अरे बाप रे, ओए भाई साहब बहुत ठोस है ये। ये नहीं खुर देख रहे हो, बहुत ठोस है ये। पानी बहता हुआ आ रहा है यार सारे में। थोड़ा बाइक उधर करूँ, उस तरफ कम पानी है, इस तरफ ज्यादा पानी है। सोचो इस पे कितना फ्लो होता 2 बजे के बाद, बहुत तेज होता भाई साहब। मगर अपन सही टाइम पे आ गए यार, बहुत बढ़िया। अपन ऐसे टाइम पे आ गए कि ना हमें ब्लैक आइस मिलेगी और ना ही हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लो देखने को मिलेगा। तांगलांगला टॉप पर आपका स्वागत है, पहुंच गए हम लोग तांगलांगला टॉप पर। ये रहे अपने भाई लोग, बहुत बढ़िया। देखो भाई हमारे ज्ञान जी ने सारे वाटर क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, बिल्कुल न्यू राइडर है फर्स्ट टाइम, और अपनी तारीफ करवाने के लिए मुझसे गोप्रो ऑन करवाया इन्होंने। हाँ देखा कितनी बढ़िया बात है ये, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। मेरा बच्चा है तो अपनी तारीफ करवाने के लिए बोल रहे, गोप्रो ऑन करो पहले उस पे बोलो। तांगलांगला पास एल्टीट्यूड 17482। अब हेलमेट उतारते हैं यार। तो इस राइड पे आने के बाद हमारा करीबन चौथा या पांचवा ये पास है जो हमने अब आग कर लिया है। ये तांगलांगला पास ऑल्टीट्यूड है करीबन 17482, तो वहाँ से केवल 500 मीटर ही कम है। कहाँ से? खारदुंगला से। और अच्छी खासी भीड़ लग गई है यार, और फोटो खिंचवाने के लिए ना हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं भाई। एक 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 फोटो खींचने दो ना भाई। हाथ पैर कैसे जोड़ने पड़ते हैं फोटो खिंचवाने के लिए? भैया प्लीज एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो भाई साहब, भैया प्लीज साइड हो जाओ। और जो ये आती है ना वैंस भाई, इनमें जो बंदे आते हैं वो सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर हमें वेट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके फोटो खींचती है। यहाँ पे चाय और कॉफी की भी व्यवस्था है। वैसे सांस फूल रहा है यहाँ पे, जरा भी चलने पे ना सांस वगैरह फूल रहा है। तो सारे पासिस वगैरह देखो क्रॉस कर लिए, आगे भी जितनी परेशानी होंगी वो भी कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अपन सब कुछ क्रॉस करेंगे, भाइयों का साथ है अपने साथ, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो जितने भी पासिस हैं या क्रॉसिस हैं ना, सब पार कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं। जय माता दी। अपनी बाइक की यार सुपर मीटियोर 650 की ब्रेकिंग क्या जबरदस्त है, एबीएस सिस्टम क्या काम करता है, मस्त ब्रेकिंग है भाई साहब, बहुत मस्त ब्रेकिंग है। ओहो वाटर क्रॉसिंग एक और आ गई। अरे भाई वो पानी उछालेगा बहुत जोरों से, मानेगा नहीं, रुकेगा थोड़ी ना, ये रुकते नहीं है कभी भी। क्या बात है यार, क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूरोप की किसी कंट्री में ट्रेवल कर रहा हूँ। क्या मस्त रोड बना हुआ है, क्या नजारा है सामने यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो वो रेत से ऐसा बन नहीं जाता, बवंडर टाइप का, रेत से बवंडर वो बन रहा है। ये देखो गोल गोल घूम रहा है ना, पूरा वही बन रहा है भाई साहब, ऐसे गोल 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 गोल। सरचू 122, मनाली 344। ओहो क्या नजारे हैं भाई साहब, क्या नजारे हैं, आई लाइक इट। दिल खुश हो गया यार इस वाली रोड पे आके, दिल खुश वाले रोड है ये। काश यहाँ मेरे पास क्रूज कंट्रोल होता, मजा सा ही आ जाता अभी यहाँ पे इस वाले रोड पे। सीधा सीधा रोड है बिल्कुल, सीधा सीधा। ओके अपने सारे राइडर्स इधर हैं। खूबसूरत जगह यार, सुनसान मगर खूबसूरत।
ओके सो फाइनली रुक गए यार, दोपहर के बज रहे हैं एक। इस जगह का नाम है डबरिंग और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। अभी मैंने तो कुछ खाया नहीं, इन लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किए हैं चावल वगैरह। पराठे कैसे? एक नंबर। राजमा चावल में चावल थोड़े कच्चे मिलेंगे आपको। अच्छा खा लो खा लो, थोड़े राजमा डाल दो। चलो भाई, तो राजमा चावल में चावल थोड़े से कच्चे हैं मगर आलू के पराठे ठीक है। मैं तो आलू के पराठे खाऊंगा यार, और यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है यार, अल्टीमेट लग रहा है चारों तरफ ना। हंसते मुस्कुराते निकलना चाहिए यार। अब अपन लोग ना 1, 2, 3, 4, 5 बाइक्स हो गई हैं मगर रुकता नहीं है कोई भी एक दूसरे के साथ ना, सब आगे पीछे दौड़ लगी हुई है मस्त यार। धूप हो रही है मगर हवा ठंडी है, इस वजह से धूप का पता नहीं चल रहा है। धूप वाकई में बहुत तेज है। सरचू यहाँ से करीबन 134 किलोमीटर के आसपास है। अभी भी ये करेंगे कि हम लोग जिसपा 120 हम लोग वैसे जिसपा पहुंचने का ट्राई करेंगे, लेकिन अगर पहले सरचू पहुंचते हैं, सरचू तक देखते हैं अगर कंडीशन होगी आगे। सरचू पे अगर कंडीशन होगी ना, अगर वो हम रेत वेत पार कर लेंगे बढ़िया से तो फिर जिसपा ही रुकेंगे। तो अभी फिलहाल फटाफट खाते हैं तभी तो सब कुछ पार करेंगे यार। चलो भाई, 1:47 हो गया यार, पूरा 40 मिनट का ब्रेक ले लिया और अब यहाँ से निकलना है हमें सरचू। और हमें जैसा पता किया है कि अगर हम टाइम से निकल गए तो हम पहुँच जाएंगे जिसपा, अदरवाइज बड़े मुश्किल आ जाएगी। और सरचू के बाद जो है ना वो रिवर क्रॉसिंग है, वो वाटर क्रॉसिंग नहीं है, भाई बता रहे थे वो प्रॉपर जो रिवर क्रॉसिंग है, एक रिवर आती है। तो देखेंगे वहाँ से बाइक निकालेंगे अपनी, निकालनी तो पड़ेगी हर हाल में। तो भाई अब पूरा तैयार होना है, यहाँ से जितना पैच हमें प्लेन मिलेगा उस पर थोड़ा सा तेज चलाएंगे ताकि हम जल्दी से कवर करें और पहुँच जाएँ सरचू तक। रोड पे ना बहुत स्पीड में चलाने का दिल करता है मगर ये जो बम है ना ऐसे, अगर आप बहुत तेज स्पीड में आ रहे हैं ना, मतलब 90-100 से ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो बम्स है ना ये ऐसे ऐसे उछाल देंगे आपको, एकदम से ऐसे उछाल देते हैं। इसलिए यहाँ स्पीड में चलाने का दिल तो करेगा मगर बी केयरफुल। बावली पूछ है क्या? नीचे उतर के देखते हैं 2 सेकंड के लिए कैसा लगता है यहाँ पर, क्या लगता है? हेलमेट तो उतारूंगा नहीं मैं। क्या मस्त नजारा था यार, बहुत सुंदर लग रहा था ये। हम लोग तो ना सच में यार रुक रुक के ना पागल हो गए। ये नज़ारे देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आप लोगों को दिखा सकूं उसलिए कैमरे में भी कैच करने पड़ते हैं। तो जहाँ आधे घंटे में पहुँचना होता है ना वहाँ 1 घंटा लगता है पूरा। सब आगे चले गए, प्रत्युष भाई और मैं ना ऑलमोस्ट नज़ारों पे नज़ारों के फ़ोटो लिए जा रहे हैं। ये देखो, कभी ये रुक जाते हैं कभी मैं रुक जाता हूँ, कभी ये रुक जाते हैं कभी मैं रुक जाता हूँ, अब यहाँ रुके पड़े हैं, हम दोनों ऐसे ही कर रहे हैं। अब मुझे लगता है यार जो मैं देख रहा हूँ ना वो मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। मुझे देखने के लिए तो कोई कैमरा ऑन नहीं करना मगर आप लोगों को दिखाना है तो उसके लिए तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा ना यार। इतने खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त रास्ते के बाद अब ऐसा रास्ता सामने आया है, देखो सारे में कंकड़ पड़े हुए हैं। जरा सा तेज़ चलाएंगे बाइक स्लिप करेगी ब्रेक लगते ही। भाई साहब का ट्रक है फिर भी उधर नहीं कर रहे हैं, मुझसे चाह रहे हैं कि मैं बाइक लेके इन रोड़ियों पे उतर जाऊं पांग से। और ये जो डबरिंग का रास्ता है ना, बीच का रास्ता तो एकदम अल्टीमेट बना हुआ है, मतलब एकदम नई सड़क बनी हुई है, मगर जो भाई साहब जर्क है ना बीच में जो ऐसे बम्स आते हैं वो इतने खतरनाक है, कई तो इतने खतरनाक है कि अगर आप कार से या बाइक से 100 से ऊपर की स्पीड पे है ना तो ऑलमोस्ट सड़क से आपको 1.5 से 2 फीट ऊपर उछाल सकता है, इतने खतरनाक हैं। तो भाई प्लीज उस पर बहुत ध्यान से बाइक चलाना, पांग और डबरिंग के बीच का जो रास्ता है, रास्ता बहुत मजेदार है, आपको देख के लगेगा दौड़ा देता हूँ 100 पे 120 पे 140 पे, मगर यही आप गलती कर जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। 2 मिनट के ब्रेक के लिए रुके यार, पानी वानी पिए और स्प्राइट। मेरी माइक का ना ये निकल गया फॉर्म, सोनी वाले माइक का। इसमें 2 माइक लगे हैं मेरे हेलमेट में पता है, एक रोड का एक सोनी का, इमरजेंसी के लिए जब कभी रोड का खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो वो सोनी का जो है फिट है ऑलरेडी, बस उसका वायर निकाल के इसमें लगाऊंगा। देखा कितने बढ़िया काम कर रखे हैं मैंने, अल्टीमेट वाले। रेस्टोरेंट बने हुए काफी सारे, वहाँ यहाँ वॉशरूम वगैरह सब बने हुए। यहाँ से कितना रह गया है सरचू? 80 किलोमीटर, यानी कि वही 1.5 घंटे के आसपास। 80 किलोमीटर के लिए 3 घंटे? हाँ अच्छा जी, यहाँ से आगे का सारा रोड खराब है, कमाल है यार। कोई बात नहीं, चलेंगे फिर भी, सरचू डन है ना। और देखेंगे जिसपा के लिए ना कल सुबह ही निकलेंगे, सुबह 6 बजे निकल लेंगे। हाँ
क्या रोड है यार, क्या जब बाइक चलेगी इन पे, सारे पे कंकड़ ही कंकड़, रोड़ी 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 फैली हुई है। जरा सा ब्रेक लगाओ डर लगता है बाइक ना फिसल जाए। पीछे तो बहुत खराब था, आगे भी खराब ही है। अभी तक भगवान की दया से अपनी बाइक कहीं नीचे लगी नहीं है भाई, कहीं पर भी नहीं, हर जगह से निकल गई आराम से। यार ये रोड कब बनाएंगे यार, खाया पिया जो भी है ना सब बच जाएगा। अरे वाह भाई, जुगल सेतु की तो हालत टाइट है, वहाँ नया जुगल सेतु तैयार हो रहा है, यहाँ जुगल सेतु की बुगल सेतु बनी हुई है। ओए ओए ओए, ओ बाप रे, आवाज से इतनी खतरनाक आती है। निकल गए जुगल सेतु से, निकल गए। वाह भाई वाह, क्या बात है, इतनी अच्छी रोडें दिखाने के बाद ये रोड, यार इसे रोड कहेंगे क्या कहेंगे। अरे बाप रे, चलो भाई कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतनी आराम से लेके जाऊंगा ताकि बाइक कहीं लगे ना। इतनी प्यारी रोड के बाद यार इतनी खस्ता रोड, इसे टेम्परेरी मगर थोड़ा अच्छा ही बना दें। लगे तो हुए हैं BRO वाले काम पे बेचारे, देखो शायद अगले साल तक बन जाए। भाई वाह, पूरा धूलम धाल है ये तो। किधर से जाना है भाई, पूछा है मैंने उससे, नीचे से आऊं या ऊपर से आऊं, उसने बोला नीचे से आ जाओ। बना तो रहे भाई, बना तो रहे, जल्दी तैयार हो जाएगा। पूरा लद्दाख और ऑलमोस्ट हिमाचल पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई, जबरदस्त रोड्स बनाई जा रही हैं। अभी इस साल छोड़ के अगले साल 99% रोड्स बन के तैयार हो जाएंगी, मजा आ जाएगा फिर यहाँ पे आने में। मगर अभी तो तकलीफ है, अंडर कंस्ट्रक्शन तो अगर अपना घर भी बन रहा हो तो अब भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ये तो फिर भी देश की रोड है, फुल ऑन रेत है भाई साहब। शुक्र है भगवान का भाई, वो पैच निकल गया, ज्यादा नहीं था, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का था रेत वाला पैच, बुरा रेत, बहुत बुरा रेत वाला, उबड़ खावड़ मिट्टी 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 मिट्टी, मगर निकल गई अपनी सुपर मिट्टी और 650 आराम से। बड़ी गंदी सड़क है यार, कभी धूल कभी मिट्टी कभी गड्ढे कभी पानी, बहुत बुरा हाल है। बट अपनी बाइक अपना फुल साथ दे रही है भाई साहब, कहीं पे भी जरा सी भी पावर लैक नहीं हो रही, कहीं पे भी टायर स्लिप नहीं हो रहे, कहीं पे भी अनबैलेंस नहीं हो रही, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। और भगवान का भी शुक्रिया अदा है यार, परमात्मा इतने आराम से इन सारी जगहों से निकाल रहे हैं। पलट मत जाइयो भाई इधर को, पूरा ही टेढ़ा हो गया ये तो। बैंड बजाने होने वाली रोड है भाई। हाँ देखा, पूरा जो ऑफ रोड का पैच था, पानी वानी ये रहा अभी भी है, वो सारा रेत वेत सब पार कर लिया भाई फिलहाल तो। जाको रखे बांके बिहारी, उसको ना होती कोई बीमारी, समझे। जाको रखे बांके बिहारी, उसको ना होती कोई भी बीमारी, नया डायलॉग बनाया मैंने। नदी देख रहे हो, पूरी जमी पड़ी है। अरे बाप रे, कोई ट्रक भी पलटा हुआ है, लोडी ट्रक है, सामान है उसमें खूब सारा, और वो पूरी जमी पड़ी है नदी, कम से कम 4-4, 5-5 फीट ऊंची, खतरनाक चीज है भाई। यही होता है यहाँ पे, जरा सी सावधानी से आप हटिए और गए काम से, यही है यहाँ का स्यापा। दिल कर रहा है जिस तरह से मिट्टी मिट्टी हो गए ना, कसम से पूरी बॉडी पूरी बाइक पूरा सब कुछ इस नदी के अंदर डुबकी मार के निकल जाऊं, एक इतना बुरा हाल हो गया है कसम से। और पता नहीं कैसे कैसे रोड पार करने पड़ेंगे यार। सही बात है, कश्मीर साइड से तो समझ लीजिए पीनट्स वाली कहानी है, जबरदस्त। इससे गंदा कुछ हो सकता था क्या? अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इस जगह से बस ये वाला पैच हुआ बात, बस अब हम निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, इधर से भी आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं लगेगी। हल्की सी किट सी आवाज़ आई है मगर वो लगी नहीं है नीचे, कहीं अटकी भी नहीं है। हो शुक्र है भगवान का, निकल गए यहाँ से भी। यार इससे बुरे रास्ते और क्या हो सकते थे, बाप रे पूरा जंपी जंपी है, मुझे उन लोगों का यहाँ इंतजार करना होगा। सच में यार कुत्ते फेल हो जाते हैं। आ गए दोनों। और जनाब कैसा है एक्सपीरियंस?
खराब हो गई, हालत खराब हो गई। अरे मस्त, अपनी तो एकदम मस्त निकल गई भाई साहब, कोई इशू नहीं। जिन लोगों को लगा था कि ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, आधे से ज्यादा लोगों को तो जवाब दे दिया इसने। चलो यार निकल रहे हैं अभी यहाँ से, 5 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया, स्प्राइट पी, काजू बादाम किशमिश खाए, थोड़े से थोड़ी सी एनर्जी आ गई। ओ बाप रे, ट्रक पलट गया यार, पलट गया पूरा। यहाँ पे खड्डे इतने खतरनाक हैं भाई साहब कि यहाँ पे चीजें पलटेंगी इन खड्डों में आके, एक तरफ को हो जाती है पूरी, ट्रक व्रक जैसे तो लोडेड चीजें तो पूरी एक साइड हो जाती है। लाचुंगला पास, ऑल्टीट्यूड है 16,616 फीट। नदी देख रहे हो कैसे चमक रही है, वो बहता हुआ पानी शाइन कर रहा है एकदम चांदी की तरह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। टाइम हो गए 4:54, 5 बज गए भाई साहब, चाय पीने का टाइम हो गया है। थोड़ी सी दूरी है बस रुकने की व्यवस्था, वहाँ पे चाय पीते हैं। ओके चलो मेरे पीछे आना, मेरे पीछे से आओ, वही तो कह रहा हूँ, मेरे पीछे से आओ, चलो वहाँ पैर भी नहीं टिकेंगे इसके, ज्यादा समझदार बन रहे इधर से। हाँ सीधे आओ, ज्ञान जब हम कह रहे हैं हमारे पीछे आओ तो क्यों कलाकार बन रहे हो यार, समझा करो, गिरोगे चोट लगेगी, नुकसान होगा शरीर का, बाइक गई अपनी ऐसी तैसी कराने, मुझे बाइक से कोई लेना देना नहीं, तेज निकालना तेज। निकल गए, पूरी रिवर क्रॉसिंग भी क्रॉस कर ली और कोई परेशानी नहीं आई किसी को, प्यार से निकल गए, बिल्कुल प्यार से। जब मैं समझाया करूं और रोका करूं तो समझो करो, रुका करो, मात माना करो, जबरदस्ती हमें कोई जरूरत नहीं इस नदी में कूदने की, रास्ते हैं निकलने के। तो लाचला पास पार करने के बाद अभी हम रुके हैं, इस जगह का नाम है विस्की नाला, और वैसे विस्की नाला नहीं, रिस्की नाला है, क्योंकि वो जो नाला दिख रहा है उधर वो बह रही है जो नदी, ऑलमोस्ट नदी जैसा ही है, तो विस्की कम और रिस्की ज्यादा है। फिलहाल यहाँ रुक गए, अभी उसको हमने क्रॉस नहीं किया है, हमने क्रॉस कर लिया उधर साइड से जाके, ऑप्शन निकाला वो आपने देख ही लिया होगा GoPro में, साइड में से निकाल के लिए आए हम लोग। और अभी रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चाय वगैरह पी रहे हैं, और थोड़ा सा यार भूख लगने लगी थी, शाम के 5 बज गए। अब प्लान यही है कि हम सरचू रुकेंगे, सरचू से आगे कहीं नहीं जाएंगे, सरचू यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर के आसपास है। चाय वाय पी लेते हैं, धूप बहुत तेज है यहाँ पर, इसीलिए मैं अंदर जाके ब्लॉक कर रहा था। हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया, हालत देखो, हालत देखो, रोडों की जो हालत है ना, इनकी हालत होठ फट गए, स्किन का रंग ब्लैक हो गया है, धूल में सन चुके हैं, पूरा हाल हो गया है, बहुत बुरा है, धूल रोड है सारा धूल। चलो यार चाय पीते हैं मस्त अपना। पीयूष भाई यार किसी की हेल्प करने गए थे वहाँ पे, किसी की बुलेट बंद हो गई है बैटरी का, अब वो आए नहीं वहाँ से, लौटे ही नहीं, वहीं पर हैं, और 5:45 का टाइम हो गया है, 1.5 घंटा हमें यहाँ से लगेगा ये 50 किलोमीटर कवर करने के लिए, क्योंकि रास्ता काफी खराब है, फिर अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अब अकेला निकल गया हूँ उनको बुलाने के लिए, हालांकि मैं रोड पे हूँ वो नीचे है, मगर उन्हें यहीं से आवाज मारनी पड़ेगी मुझे, क्या करूँ। अब आए यार ये उसकी मदद करके, वो बंदा इनसे पहले निकल गया, ये गए बैटरी उसकी स्टार्ट करने, उसकी बैटरी स्टार्ट हो गई, वो अपना निकल गया पहले, उसे मतलब नहीं है कि ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वहां से वहां बिल्कुल लास्ट में, और करने क्या गया था वो वहां पे पता नहीं, आजकल का टाइम ही नहीं है किसी की मदद करने लायक, हद है यार। और अभी 50 किलोमीटर का रास्ता यहाँ बाकी है, और 20-25 किलोमीटर तक रास्ता ऐसे ही खराब है, अंधेरा हो जाएगा नेट 7:30 बजे, 6:07 हो गए, वो बता रहे हैं कि जाने में टाइम लगेगा आपको, रास्ता बहुत खराब है, और अंधेरे में इस रास्ते पे सोच भी नहीं सकते क्या
ड्रामा होगा हमारे साथ। ज्ञान आगे चले गए, वो कह रहे थे भैया मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहले ही वो बहुत देर पहले ही चले गए, आधा घंटा पहले। इनको उसकी मदद करने जाने में ही पूरा आधा घंटा लग गया उसकी बाइक स्टार्ट करवाने में। शाम के बज गए 6:30, अब देख रहे हो इधर आने वाला ट्रैफिक बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। यहाँ से सचू अभी 37 किलोमीटर है। अब इधर आने वाला ट्रैफिक इसलिए बंद हो गया है क्योंकि आगे कहीं पे रुकने की व्यवस्था है ही नहीं पांग से पहले, और अगर है भी तो वो अभी जहाँ हम रुके थे विस्की नाला, वहाँ पर सिर्फ गिने चुने लोग आ सकते हैं और वो भी टेंट में उन्हें सोना पड़ेगा अगर उन्होंने जगह दे दी तो। सोने की व्यवस्था लिखी हुई है वहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अब यहाँ पे आगे अंधेरा हो गया, अगर तो वो आगे जो रास्ता था अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कभी भी आप सरचू से पांग की तरफ लेट नाइट निकलना, कभी भी नहीं। तो इसलिए अब कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ जाने वाले हैं हम लोग, इस साइड जाने वाले लोग हैं बस। अब यहाँ से शुरू हो गए हैं ये गाटा लूप्स। अब ये ऐसे ही एक पहाड़ के ऊपर से ऐसे 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 रास्ता जाता है, इसी को गाटा लूप्स कहते हैं। मतलब एक ही पहाड़ में से ऐसे 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 रास्ता जो कटता है ना, उसको गाटा लूप्स कहते हैं। 33 किलोमीटर रह गया है बस सरचू। मेरे ख्याल से ज्ञान तो पहुंच भी गए होंगे, जाते ही सीधा होटल लेंगे। टाइम हो गया 7:20 और आज पहली बार यार अपने कुत्ते फेल हुए हैं, कसम से पहली बार ऐसा लगा है कि थक गए हैं। नहीं तो इतने दिन से राइड कर रहे थे कभी यह नहीं लगा मुझे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मगर आज कसम से वाट लग गई है। अपनी दिल्ली वाली सिम यहाँ चालू हो गई है, यानी कि जियो वाला जो हमारा नंबर है वो यहाँ आके चालू हुआ है सरचू से करीबन 15 किलोमीटर पहले, और जम्मू कश्मीर वाला नंबर जो है अब वो बिल्कुल बंद हो गया, उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ज्ञान ने ले लिया, ये कोटेज टाइप का है कुछ है यहाँ पे, यही मिल रहा है सबको यहाँ पर। ज्ञान बाबू हमसे पहले पहुँच गए थे, फाइनली पहुँच गए सरचू। गले मिल लो भाई, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। आए होए, चाय बनवा दिया, चाय बोल दी। देख रहे हो हालत कैसी हो रही है? अबे हालत को छोड़ो तुम, अबे भाई मैं तो डर गया, ये टीन देख के मैंने कहा ये तो बाथरूम ना लग रहा है, इसमें रहेंगे क्या हम? हो कहाँ है रहने का, कहाँ है? अबे भाई क्या चीज है ये, क्या आइटम है ये? चलो हमें तो सोना ही तो है, बस रात ही तो गुजारनी है। चलो ठीक है यार, रात रात को रुकना ही है, जो है ठीक है, हेलमेट रख देते हैं। ओके सो फाइनली हम लोग अब खा रहे हैं खाना, यहाँ आके जैसे रुके थे उसके बाद हालत बहुत ख़राब हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने ना, हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर ना कहीं से धूल मिट्टी फेंक फेंक के मारी, हम खेले हों कहीं मिट्टी में। कसम से इतना थका देने वाला राइड पहली बार हुआ है सच में यार, बहुत बुरा रास्ता था। जितनी बुराई की जाए उतनी कम है, वो डायलॉग है जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, मगर इसकी जितनी बुराई की जाए उतना कम है, बहुत बुरा हालात था। तो अभी फिलहाल यहाँ रुक गए हैं, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठंड पड़ रही है गजब की। और क्या, इतना खराब रोड, खाना खाने में इतना खाना खाने में इसका इतना ध्यान है कि इसको समझ ही नहीं आया कि पूछ क्या रहे हैं। रोड आधा उसपे गाड़ियां आ रही है, ट्रक आ रहे इतनी स्पीड से कि मेरे पास जगह ही नहीं है गाड़ी रोकने की, बहुत बुरा हाल था। खैर आज का दिन बस इतना ही रहा, आज के दिन को अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। रूम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब हम रात को सोएंगे और सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से, जितना जल्दी हो सकेगा 6 बजे, क्योंकि आगे सारा वाटर क्रॉसिंग है 30 किलोमीटर के बाद। सो अब इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय।